ठीक है, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ P18 Pro ड्रोन। ठीक है, इसके अंदर आपको देखेंगे ब्रशलेस मोटर, डबल कैमरा एंड काफ़ी सारे तगड़े फीचर जो कि आपको अदर ड्रोन में नहीं मिलेंगे। ये ड्रोन आपको मिल जाएगा 3 से 3,500 के बीच में। परचेज़ करना है तो लिंक मैं आपको पिन कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जा करके परचेज कर सकते हो। चलो गाइस, फटाफट पहले तो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते क्या कुछ वीडियो क्वालिटी होगी, कितना स्टेबल फ्लाई करता है और इसका जो ब्रशलेस मोटर है वो कितना बढ़िया इसे स्टेबल कर पाते हो, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते बिना गवाया और देखते क्या 3,500 में वाला जो ड्रोन है वर्थ इट है या फिर नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं। आपके पास ब्लैक कलर का बैग मिल जाता है, ठीक है। और बॉक्स की बात करें तो गाइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर एक IOA करके फीचर मिल जाते हैं, इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, और कुछ नहीं है बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो तभी मैंने बॉक्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ दिखाया या बताया नहीं। और यहाँ पर ओपन करते गाइस यहाँ पर मिल जाता है अपना ड्रोन, ठीक है। यहाँ पर मिल जाता है एरियल ड्रोन करके लिखा हुआ इसके ऊपर। हम सबसे पहले इसे अनफोल्ड करते हैं एंड एक बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर। और दूसरी वाली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और बैटरी मिलती है, सो डबल बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो आपको, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है एक, और एक कैमरा आपको यहाँ पीछे के साइड मिल जाता है, ठीक है। वैसे मॉड्यूल इसमें उससे ज़्यादा कैमरे के हैं, यानी 3 कैमरे के इधर 2 यहाँ पर है। एंड यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, OIS करके कुछ फीचर मिल जाता है। ये आपका इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वाला ही फीचर है, ठीक है। वही वाला फीचर यहाँ पर OIS करके लिखा हुआ है, ठीक है। यही वो सेंसर्स हैं जो मदद करते हैं किसी चीज़ से टकराए ना, ठीक है। उसमें बाकी मैं इसे रखता हूँ साइड में और निकालता हूँ रिमोट, ठीक है। और बाकी चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये हैं आपकी कुछ अगर कोई प्रोफाइल आपको टूट जाता है तो। और यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाता है जिससे आपको पता चला किस ऐप से आप लोग अपने ड्रोन को वीडियो जो है देख सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल ओपन करना है, ठीक है। गूगल ओपन करने का स्कैनर ओपन करना है एंड इस पर जाना है एंड सॉरी आपको यहाँ पर एंड्रॉयड पर जाना है एंड अगर आपके आईफोन है तो iOS वाले पर जाना आप, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ सेकेंड में, आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को HFUFO करके ऐप है, ठीक है, इसे आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हो चुका है ये इंस्टॉल, ओपन करते हैं। और सबसे पहले अपना जो ड्रोन है उसे आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड इस ड्रोन में एक और चीज़ खास है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ऑन करते हो ना, ये कुछ इस तरीके से गाइस ऊपर नीचे जो कैमरा होता है जो काफ़ी कूल सा लगता है दिखने में, जिसकी जो लाइट्स है वो देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया लगती है दिखने में। बाकी हम लोग अब ऐप की तरफ चलते हैं। इसे ओपन करते हैं, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, टिक करके अलाउ कर देना, HF करके आएगा। आपको सिंपल वाईफाई में जाना है, अपना जो डाटा है उसे ऑफ करना है, वाईफाई में जाना है एंड अंदर जाओगे तो HF करके वाईफाई आएगा। इसे आपको सिंपल आपको कनेक्ट कर देना है एंड कनेक्ट करने के बाद आपको हटना है, आगे स्टार्ट पर क्लिक करना है एंड अलाउ कर देना है, ठीक है। परमिशन सेटिंग में जा करके आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन ऑन करनी है, ठीक है। इसको GPS की ज़रूरत है तो स्टार्ट कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसलिए, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग सभी जो पिक्चर्स वगैरह वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जैसे वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह बनानी, फोटो क्लिक करनी है तो वाली बटन से हो जाएगा। यहाँ पर देखो वीडियो बनाना है तो इस वाली बटन को जस्ट क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हो आप लोग, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है अगेन, यहाँ पर देखो यहाँ पर टाइमर जो है यहाँ पर आ जाएगा, इट मीन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरीके। बाकी और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फ़ोन को रिमोट के अंदर होल्ड कर देते हैं फटाफट ताकि दिक्कत ना हो हमें। सो यहाँ पर हमने लगा दिया, हमने यहाँ पर इसे लगा दिया, रिमोट सिंपल आपको ऑन करना है, बैटरी इसमें लगा रखी है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वीडियो क्वालिटी जो भी है आपको दिख जाएगी, ठीक है, स्क्रीन पर। और आगे चल के मैं ऑफर लिख भी दूंगा, ये ड्रोन की वीडियो है। बाकी यहाँ पर हमारा जो ड्रोन है तैयार है फ्लाई करने के लिए। सो हम लोग सिंपल क्या करते थे, रिमोट को एक बार ऑन ऑफ करते हैं अगेन। सो देख सकते हो अपना जो ड्रोन है, एक बार आपको सिंपल एक बार ऊपर एक बार नीचे करना है थ्रोटल को, इससे क्या ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख सकते हो ड्रोन अपना तैयार है फ्लाई करने के लिए। चलो गाइस करते इसे फ्लाई एंड देखते हैं यार क्या कुछ होता है एंड कितने स्टेबली फ्लाई करते हैं। सिंपल मैंने इसे 1 PT को बटन से फ्लाई करा,
गाइस नीचे की साइड आपको यहाँ पर चार LED सी मिल जाएंगी छोटी छोटी, जिससे आप लोगों को रात में भी इसे मतलब पता चलेगा कि आपका ड्रोन कहाँ फ्लाई कर रहा है, अगर आप लोग जैसे शाम के टाइम फ्लाई करते हो तो। स्पीड भी आप लोग इसके एडजस्ट कर सकते हो गाइस, इस वाले बटन को प्रेस करके इसे दबाओगे देखो तो स्पीड इसकी जो आप तेज हो जाएगी। देखो हेड भी आप लोग इजीली कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हो इसका। देख सकते हो हम लोग यार इजीली यहाँ पर वीडियो के अंदर आ रहे हैं, ड्रोन अपना जो है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल फ्लाई कर रहा है। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को इसका जैसे कैमरा ये जो है ना इसे अगर मूव करना है, ठीक है सिंपल यहाँ पर देख सकते हो बटन है यहाँ पर, देखो इससे आप लोग इसके जो कैमरा को है ना सिंपल ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, जिससे आपको वीडियो जो है ना इधर उधर ड्रोन को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप लोग कैमरे को मूव कर दो, इससे क्या होगा आपको आप जो वीडियो है वो इजिली सही तरीके से कैप्चर कर पाओगे। एंड क्वालिटी देखो यार मुझे तो क्वालिटी फिलहाल काफ़ी ठीक लग रही है, ठीक है बाकी ड्रोन के मुकाबले। एंड स्टेबिलिटी गाइस आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, काफ़ी देर से जो हमारा जो ड्रोन है इसी पोजीशन को होल्ड करके बैठा पड़ा है एंड इधर उधर ये मूव नहीं कर रहा, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी। ठीक है और ड्रोन भी अपना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसके जो ब्रशलेस मोटर है वो इसे काफ़ी बढ़िया पावर दे रहे हैं। ठीक है एंड इसकी जो बैटरी है वो आपको 1800 mAh की देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही मतलब 7 से 8 मिनट के आसपास मेरे हिसाब से फ्लाई करनी चाहिए, बट हम यहाँ पर देख लेंगे एग्जैक्टली कितनी देर तक फ्लाई कर पाता है। ठीक है गाइस देख सकते हो हम लोग इसे काफ़ी ऊपर लेके जा चुके हैं, अब नीचे लेके आते हैं। गाइस ये चीज़ आपने देखा मैंने इसे इधर उधर नहीं करा, एंड किस जगह से अपने ये जो ड्रोन है वो ऊपर गया था सेम उसी जगह पे यहाँ पर नीचे है बिल्कुल एक्जैक्ट उसी जगह पे। ठीक है मैंने इसे इधर उधर से मूव नहीं करा, ठीक है बाकी ड्रोन जैसे इधर उधर से ले जाते हवे से जैसे आप लोग इसे ऊपर ले जाते तो हवा जिधर ले जाती है उधर जाता, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। चलो करते हैं इसका एक फ्लिप, ठीक है फ्लिप टेस्ट कैसा फ्लिप करता है ये, एक तो फ्लिप करते हैं आगे की साइड एक सर तो गाइस फ्लिप वगैरह काफी सही कर रहा है। अगर आप लोग इसे 360 डिग्री मतलब पूरा ऐसे रोटेट करना चाहते हो, ठीक है मतलब बिना ऐसे घुमाए, ठीक है एक ही जगह पे, तो ये देखो कुछ आप लोगों को जस्ट इसे आपको रखना है होल्ड करना है। ठीक है ये लेफ्ट वाली जो आपकी जो बटन है, ठीक है ये देखो कुछ इस तरीके से पूरा मतलब 360 डिग्री ये देखो इस तरीके से मूव कर सकता है इसका हेड,
ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी एंड काफ़ी स्मूथ इसके जो रिमोट की जो फंक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये नहीं कि आप लोग कोई फंक्शन परफॉर्म करते और वो काम नहीं करता सही से, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसकी जो फंक्शन वो काम कर रहे हैं। एंड एक और सेम चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब इसकी जो बैटरी है वो ख़त्म होने वाली होगी, लगेगा कि ड्रोन हाँ एक मिनट और फ्लाई कर सकता है, कुछ इस तरीके से जो बीप का सिग्नल है आपको रिमोट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आपको इस तरीके से कुछ सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा रिमोट की तरफ से, जो आपकी जो बैटरी है वो ख़त्म होने वाली है, ताकि आप लोग इसे ज़्यादा देर तक और फ्लाई ना करो, और ज़्यादा फ्लाई करने से क्या होगा इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो कम होती जाएगी। तो हम लोग इसे गाइस लैंड करते सिंपल, तो सिंपल वन की लैंड बटन है, इसे आप लोग दबा के इसे लैंड कर सकते हो, ठीक है। सो हमारा जो ड्रोन है गाइस लैंड कर चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा, मुझे तो काफ़ी ठीक लगा। बाकी आपको ये ड्रोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो क्वालिटी कैसी थी वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आपको देखने को मिल जाएगी आगे चल के वीडियो के अंदर। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।